मेरा नाम राजू है। कहाँ रहने वाले हो? ये गोंडीबरी। गाड़ी में आप क्या करते हो? मैं कंडक्टरी करता हूँ सर। तो कैसे टायर फटा है इस गाड़ी का? ये पुल से उतर रही थी नीचे जी, अगला टायर फटा है। गाड़ी बहुत कंट्रोल करी नहीं हुई, उसके बाद में पीछे का फटा है, उसके बाद डिसबैलेंस होने के कारण गाड़ी पलट गई। कैसे एक्सीडेंट हुआ ये? अरे पहले अगला टायर फटा था, पुल से गाड़ी उतर रही थी। अगला टायर फटने के बाद लेने लगी, फिर दूसरा पीछे का टायर फट गया, उसके बाद डिसबैलेंस होकर गाड़ी पलट गई। देखिए, हमारे थाना सिकंदरा क्षेत्र अंतर्गत या बिराना पुल के यहाँ मानपुर डेरा के सामने जयपुर से कानपुर आने वाली समय शताब्दी ट्रैवल्स के बस जो है पलट गई है। उसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल थे, बाकी लोगों को छोटे छोटे इंजुरी आए थे। समय पर हमारे फोर्स, फायर ब्रिगेड, फील्ड यूनिट सभी लोग समय पर मौजूद थे और तुरंत उनको मतलब हॉस्पिटल भिजवाया गया। फिलहाल अभी स्थिति सामान्य है और बस क्यों पलटी है उसकी जांच पड़ताल हो रही है। उसके संबंधित विभाग RTO हमारे ट्रैफिक विभाग को भी हमने बुलाया और फील्ड यूनिट को बुलाया, उसकी जाँच पड़ताल चल रही है। जो भी अगर सामने आएगा आपका अवगत कर सकते हैं। सर, यहाँ से घायल कोई रेफर किए गए जिला अस्पताल अभी तक? नहीं, अभी तक तो फिलहाल ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तीन लोगों को हमने जिला अस्पताल भेज दिया है और बाकी अन्य लोग जिनके छोटा है उनका भी अभी मेडिकल होता है। माना जा रहा है कि ओवरलोड होने की वजह से हादसा हुआ है और जल जांच के विषय है। आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी फिलहाल प्लेट वगैरह भी बुलाया गया और यहाँ पे सारे सामान भी पड़ी हुई है। वो जो भी मतलब RTO विभाग और अन्य विभाग जितने भी सक्षम विभाग है जो भी जांच करके देंगे उसके आधार पर कार्रवाई। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।